तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ पेयर अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ जिसमें कि लाइव ट्रेड करके दिखाने वाले हैं, और क्लास वन की वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है, तो वो वीडियो को देखिए। उसके लॉजिक पे जो हमने स्ट्रेटजी बताया है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा। आने वाले समय में जो भी मैं क्लास दूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेकर के लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, ताकि जो भी डाउट्स रहेंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे वीडियो में लाऊंगा लाइव ट्रेड का वो ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ये जो अभी रेड कैंडल बन रही थी, और यहाँ पे एग्जैक्ट यदि इस जगह में क्लोजिंग दी थी, ठीक है, सपोर्ट के पास, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन रीज़न क्या हुआ ना, यहाँ पे ये ट्रेड नेक्स्ट कैंडल जो अभी यहाँ पे ओपन हुई है वो गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, तो हो सकता है कि ये डाउन के लिए चले जाए, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया है। तो देखते हैं कि ये ट्रेड क्या होता है इस कैंडल का, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे कहाँ पे क्लोजिंग देती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो चलिए फिर इस कैंडल को देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कैंडल क्लोजिंग दी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले चुके हैं। इसका रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे ये लाइन जो मार्क कर रखा है सपोर्ट का, ठीक है, और वहाँ पे एक स्पिनिंग बार टाइप की कैंडल बनी है, उसके अकॉर्डिंग ये अप को जानी चाहिए ये कैंडल, ठीक है। वैसे हम स्टार्टिंग में ट्रेड ले लिए, वैसे तो थोड़ा हम सेफ्टी मार्जिन के साथ में हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या होता है। और यदि हम सेफ्टी मार्जिन के साथ में अभी जहाँ पे कैंडल चल रही है इधर यदि हमें ट्रेड मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। जो हमारा लॉजिक है क्लास वन की वीडियो में उसके अकॉर्डिंग ये तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ पे विन दे चुका है। वैसे तो ये डॉजी बना दी है, लेकिन गैपअप की वजह से हमें विन हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा वेट करने के बाद हमने एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। इस ट्रेड का यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। ये जो रेड कैंडल लास्ट में क्लोजिंग दी थी, ठीक है, तो ये तो सपोर्ट के नीचे ये क्लोजिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस के पास जा करके ये कैंडल का ओपनिंग हुआ है। कहीं ना कहीं वहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसके कारण वहाँ से मार्केट डाउन जाना चाहिए, तो इसलिए हमने ये डाउन ट्रेड के लिए इसलिए हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, और लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ये एरर कैंडल बन गई, और यहाँ पे सपोर्ट के पास जाकर के ये स्पिनिंग बार कैंडल बनी। ऊपर से यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है वो देख सकते हैं गैप डाउन किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आने देते हैं इस कैंडल को, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि एक तो सपोर्ट के पास जब स्पिनिंग बार बनती है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। तो सपोर्ट के पास जब स्पिनिंग बार कैंडल बनेगी तो वहाँ से मार्केट कंटिन्यू जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है, ऊपर से यहाँ पे गैप डाउन किया, कहीं ना कहीं जब गैप डाउन किया तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास गैप डाउन किया, तो ये एक सपोर्ट लेकर कहीं ऊपर जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लॉजिक के साथ में हमने ट्रेड लिया है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी ट्रेड हमने विन कर लिया है। तो चलिए फिर यहाँ से अमाउंट को कम कर लेते हैं, 500 यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ पे हम चलते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई के पेयर में हमारा सेम सेटअप पे क्लास वन की जो वीडियो में हमने बताया है, ठीक है, उसी सेटअप पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, और यहाँ से एक कैंडल रिवर्सल हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है। तो चलिए फिर इसका भी रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्जिन के साथ में हमारा ये विन हो चुका है ये कैंडल, ठीक है। तो चलिए फिर और एक ट्रेड करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने अभी टोटल 4 ट्रेड किया है, जिसमें कि एक ट्रेड हमारा लॉस गया है, 3 ट्रेड विन गया, ठीक है। सेम सेटअप पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पेयर में फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो हमने तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। इसके पीछे आप यहाँ पे आपको हम लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पे जो बैक में हमने इनगल्फिंग का यहाँ पे सेटअप बना करके रखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो कैंडल अभी क्लोजिंग दी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था और गैप अप किया है, और बैक में हम देख रहे हैं कि एक सपोर्ट का जोन है, जिसके कारण ये कैंडल हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे, इसलिए हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक जो भी हम यहाँ पे अभी बता रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं लाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की यदि लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।